हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में हम अभी कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल। तो ये जो हम जीके कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर लेंगे और इसमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे, और प्रत्येक चैप्टर से जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले और विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए सारे एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर आपको जो है बताएंगे विथ आंसर्स। ठीक है, ये जो विभिन्न परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जैसे बीएसटीसी की है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एंड शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी के लिए काम आएगी। साथ ही साथ जो आप अगर आरएएस का एग्जाम देते हैं उसके लिए भी काम आएगी। राजस्थान से जुड़ी तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जीके जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर, आप राजस्थान का मैप देख लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मैप मिलेगा, मैप के साथ मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वो जिले आते हैं जो उत्तरी कर्क रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब हम बढ़ते हैं विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो 23.5 डिग्री पर आती है कर्क रेखा, और विषुवत रेखा से जब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पर भी 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ भी आती है एक रेखा जिसे कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच तक का जो भाग होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है वो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा के बीच से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। आप यहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये बांसवाड़ा नीचे का दक्षिणतम बिंदु राजस्थान का, बांसवाड़ा जिला, इस बांसवाड़ा के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर के निचले हिस्से को टच करते हुए। तो बांसवाड़ा जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक इसका सही जवाब है कि बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान का जिला है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिए। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया, बार बार पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है। नक्शे से आप याद करिएगा, आपको परमानेंट याद हो जाएगा, उतावल बिल्कुल मत करिए, चीज़ों को अच्छी तरह से याद करिए, धीरे धीरे याद करिए, परमानेंट याद हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि राजस्थान की जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा है, ये है दक्षिण, ठीक है, और ये है पश्चिम। तो ये जो सीमा है ना, ये दक्षिण पश्चिमी सीमा कहलाती है। ये जो दक्षिण पश्चिमी सीमा है ये किस राज्य से मिलती है, तो दोस्तों ये जो है ना, यहाँ पे गुजरात पड़ता है। ठीक है, ये जो पूरा इलाका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गुजरात पड़ता है, और यहाँ से लेकर के ये जो पूरा है ये पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, और यहाँ पर इस साइड में जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बाद में यहाँ पर MP आ जाता है। तो इस तरीके से ये राज्य के चारों तरफ जो विभिन्न राज्य, अंतर्राज्यीय सीमा है और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इन सब की आप नाम याद रख लीजिए, जिलों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम इन सब चीज़ों को याद करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा कि ये जो सीमा है यहाँ पर गुजरात पड़ता है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है, यानी भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं भारत का, इस भारत के मैप में, नक्शे में राजस्थान यहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 कि राजस्थान जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये भाग उत्तर, नक्शे में हमेशा उत्तर जो है ना वो ऊपर की तरफ होता है और दक्षिण उसके जस्ट ऑपोजिट यानी नीचे की तरफ होता है, राइट हैंड साइड में पूर्व होता है और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। तो प्रश्न यह है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है ये गंगानगर है ना, गंगानगर का ये जो उत्तरतम बिंदु है, यहाँ से लेकर के सीधी इसकी जो दूरी है ना, इस तरीके से मापी जाती है। यहाँ पर बांसवाड़ा जो है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है ये दूरी कितनी है। तो इसका सही जवाब रहेगा 826 किलोमीटर। ठीक है, 826 किलोमीटर याद रखिएगा, 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम,
पूर्व से पश्चिम, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर, ठीक है। इसका ये जो नाम अगर आप याद रखना चाहो तो याद रखो, कोणा, कटरा, बोरकुंडा और सिलान, यानी कोणा गांव है, गंगानगर का कोणा गांव, और मतलब सबसे उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का कोणा, और जैसलमेर का है कटरा गांव, यहाँ पे कटरा गांव पड़ता है, कोणा, कटरा, बांसवाड़ा का है बोरकुंडा, बांसवाड़ा का सबसे दक्षिणतम, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंडा, बांसवाड़ा में पड़ता है, और धौलपुर का जो है सबसे पूर्वतम राजस्थान का बिंदु जो है वो गांव जो है वो धौलपुर का है, सिलान गांव, ठीक है। तो कोणा, कटरा, बोरकुंडा और सिलान गांव, तो ये जो दूरी है इस तरीके से उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की दूरी कितनी है, तो ये है 869 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसका जवाब रहेगा 869, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, राजस्थान की जो सीमा है ना, सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्य सीमा किस राज्य से मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे ऊपर पंजाब है, उसके बाद में यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा के बाद में फिर यहाँ पर यूपी आता है, और यूपी के बाद में यहाँ पर एमपी शुरू होता है। तो धौलपुर से लेकर के और ये पूरे के पूरे 10 जिले हैं ठेठ बांसवाड़ा तक, यहाँ तक पड़ती है मध्य प्रदेश की इतनी लंबी जो वो सीमा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है, और दूसरे स्थान पर आएगा फिर गुजरात, ठीक है। दूसरे स्थान पर आएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात की भी बाड़मेर से लेकर के और बांसवाड़ा तक सीमा जो है वो टच करती है। तो सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो रहेगी मध्य प्रदेश के साथ, दूसरे नंबर पर अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो गुजरात के साथ, और अगर सबसे कम पूछा जाए कि राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों पंजाब। पंजाब के साथ, पंजाब के दो जिले राजस्थान को छूते हैं, राजस्थान के दो जिले पंजाब को छूते हैं, दोनों के दो दो जिले हैं, और जो है इसकी 89 किलोमीटर है ना, 89 किलोमीटर मात्र जो है वो इसकी जो है वो सीमा टच करती है राजस्थान के साथ। और जो एमपी है, मध्य प्रदेश की सीमा है, ये सबसे लंबी है 1600 किलोमीटर, याद रखिएगा, किलोमीटर में भी याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर सबसे लंबी और 89 यानी 89 किलोमीटर सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का वह जिला कौन सा है जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता है। तो समीपवर्ती राज्य हो गया यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इन राज्यों में से ये जो विभिन्न जिले हैं अलग अलग राज्यों से हैं, मुक्तसर पंजाब से है, भिवानी हरियाणा से है, राजगढ़ जो है वो एमपी से है, और अरावली गुजरात का है। तो कौन सा जिला है जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों, सही आंसर इसका उपयुक्त सभी सारे जिले जो है वो टच करते हैं, मुक्तसर, भिवानी, राजगढ़ और अरावली, ये सभी जिले राजस्थान को टच करते हैं। ये विभिन्न राज्यों के अलग अलग जिले, मैंने बता दिया, मुक्तसर पंजाब का है, यहाँ पर टच करता है, और भिवानी जो है वो हरियाणा का है, उसके बाद में राजगढ़ जो है ये एमपी का है, और अरावली जो है वो गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। स्पष्ट रूप से प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, बदल सकता है ना, एक नंबर से अगर आप पॉइंट से चूक गए तो जिंदगी बन भी सकती है, और अगर बिगड़ भी सकती है आपका सवाल गलत हो गया तो एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए, उतावल किसी भी प्रकार की नहीं करें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद उत्तर दीजिए। तो यहां पर प्रश्न है कि कथन असत्य कौन सा है राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि राजस्थान को भौतिक स्वरूपों के आधार पर जो है अगर विभाजित करते हैं तो चार भागों में विभाजित किया है राजस्थान को, और जलवायु के आधार पर राजस्थान को पांच भागों में विभाजित किया है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मैप के साथ, नक्शे के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन है कि उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है, उत्तर और पूर्वी भाग, आप समझ रहे हैं, उत्तर यह है, पूर्वी यह है, तो यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। दोस्तों सिंधु नदी द्वारा निर्मित ये मैदान नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी जो है ना ये इस दिशा में बहती है, उत्तर से पश्चिम में जाती है, पाकिस्तान की तरफ जाती है, और अंत में जो है वो वहाँ पर अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ऑप्शन पहला ही गलत है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर के अवशेष है, जो पश्चिम का पूरा रेगिस्तान है राजस्थान का, ये टेथिस सागर का अवशेष है, कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, बिल्कुल सही कथन है, राजस्थान
पहले यहाँ पर गोंडवाना और जो है वो अंगारा लैंड हुआ करते थे और बीच में जो है वो तैतीस सागर था। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, आपको नक्शे के साथ में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर कि अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है, तो बिल्कुल कथन सत्य है ये भी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन एक, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन एक। ये गलत है कि उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, तो गलत है क्योंकि उत्तर पूर्वी भाग ना ये यमुना, गंगा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित भाग है, न कि सिंधु नदी द्वारा। तो दोस्तों ये हमने कुछ किए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और बाकी जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं ज्यादा लंबा न करना चाहता हूँ, छोटे वीडियोज में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारी क्लास लाइव भी रहेगी जिसमें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा लाइव क्लास कब रहेगी, आपको जुड़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।